शहर में दो युवा क्रिकेटर मोहसिन खान और आर्यन जोयल का बीसीसीआई की घरेलू टूर्नामेंट देवधर ट्रॉफी में चयन हुआ है। देवधर ट्रॉफी 24 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिसमें मुरादाबाद के मोहसिन खान और आर्यन जोनस को शामिल किया गया है। मोहसिन खान और आर्यन को इस सीरीज में शामिल होने से उनके परिवार में खुशी का माहौल है। इससे पहले भी मोहसिन खान और आर्यन बीसीसीआई की बड़ी लीग में नजर आ चुके हैं। इसके साथ ही वो आईपीएल में भी दिखाई दिए थे। अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत पिछले कई बड़े टूर्नामेंट में वो शामिल किए गए। मुरादाबाद के दोनों खिलाड़ी मोहसिन खान और आर्यन ने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत मुरादाबाद के रेलवे स्टेडियम और सोनकपुर स्टेडियम से शुरू की थी। बेहद कम समय में वो उत्तर प्रदेश की रणजी टीम में शामिल हो गए। लंबे समय तक वो टीम से खेल रहे थे। भारतीय टीम में भी अपनी जगह बनाने के लिए वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। मोहसिन खान और आर्यन जोयल का चयन सेंट्रल जोन की टीम में हुआ। बीसीसीआई की सीजन की दूसरी घरेलू सीरीज देवधर ट्रॉफी 24 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसमें मोहसिन खान और आर्यन का चयन सेंट्रल जोन की टीम में हुआ है। उनके इस चयन से उनके परिवार में खुशी है। सभी का कहना है कि वो चाहते हैं कि ऐसे ही मोहसिन खान और आर्यन का नाम रोशन करते रहें और जल्दी ही वो भारतीय क्रिकेट टीम में खेलते हुए नजर आएं। सेंट्रल जोन की टीम की बात की जाए तो वरिष्ठ क्रिकेटर और कोच मोहम्मद बदरुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि देवधर क्रिकेट ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को ही इंडियन टीम में जगह मिलती है। देखिए, दोनों जो प्लेयर हैं मोहसिन खान और आर्यन जोयल, इनका देवधर ट्रॉफी के लिए चयन हुआ है और ये पूरे मुरादाबाद के लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे दो प्लेयर्स को जो पहले इससे पहले आईपीएल में खेल रहे हैं बढ़िया परफॉर्म किया है, ख़ासतौर से मोहसिन खान ने, और आर्यन जोयल भी अभी इंग्लैंड में आजकल खेल रहा है तो वहाँ पर भी उसने बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आज ये देवधर ट्रॉफी में इनको मौका मिला है तो उसमें परफॉर्म बढ़िया करेंगे तो आगे के रास्ते खुलेंगे। इस देवधर ट्रॉफी में जो बढ़िया परफॉर्म करते हैं उनके लिए इंडिया के रास्ते खुलते हैं कि भाई इंडिया में आजकल नए लड़कों को मौका मिल रहा है, जैसे ये जायसवाल को मौका मिला है कल, तो आगे आने वाले इनका भी भविष्य जो है बढ़िया है क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस से इंडिया की टीम में इनके लिए जगह बनी। देखिए, रणजी ट्रॉफी में जो अपने स्टेट से जो बढ़िया परफॉर्म करते हैं बच्चे, हर स्टेट की जो रणजी ट्रॉफी होती है उसमें जो बढ़िया परफॉर्म करते हैं उनमें से चार टीमें बनाई जाती हैं और उनको चार टीमों में बांट दिया जाता है उन सारे प्लेयर्स को और उनके आपस में वनडे मैच कराए जाते हैं। तो उसमें यही इसीलिए कराया जाता है कि वो के जो बढ़िया बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं पूरे इंडिया से तो उनको हमारे लिस्ट में नाम रहना चाहिए कि हमें कहीं पर टूर, अब जैसे टूर हो रहे हैं, वेस्ट इंडीज़ का टूर है इसके बाद और आयरलैंड का टूर है, तो नए लड़कों को मौका देंगे उसमें, तो इनमें जो बढ़िया परफॉर्म करेंगे उनको आगे मौका मिल सके। क्या कब से टूर्नामेंट शुरू हो रहा है? ये 24 तारीख से शुरू है और इसमें हर बच्चों को मौका मिलेगा दो तीन मैच खेलने का और उसके बाद फिर फाइनल मैच होगा उसमें। तो मेरा अपना मानना यह है कि हमारे जो दोनों बच्चे हैं बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं और आने वाले टाइम में हम उनको इंडिया के लिए देखेंगे।